वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और आज आपको पता है बड़ा ज़ोर शोर से जो है वो मेका डे मनाया जाता है, यानी कि बीवियां जो हैं वो ईद के दूसरे दिन, ईद के सेकंड डे जो है वो अपने मेके जाती हैं। और ये खुशी ऐसी खुशी होती है कि जिसमें आप की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। और मैंने पूरा घर जो है अपना समेट लिया है, हर चीज़ मैंने अपनी कवर कर दी, क्योंकि घर को इतना ईद के चक्कर में साफ़ सुथरा रखा था, इतना सब कुछ किया था। तो ये मेरे हंसे बच्चों ने बहुत ज़्यादा शीशे को हाथ लगा लगा के ख़राब कर दिया। अच्छा जी, तो मैं भी तैयार श्यार हो गई हूँ। आज ईद का सेकंड डे है और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि जैसे कोई सेंट्रल जेल से रिहाई मिलती हो ना, वैसे खुशी होती है। क्योंकि अम्मी अब्बू का जो घर होता है ना, वो इतना ज़्यादा फैसिनेट करता है बेटियों के लिए, ख़ास तौर पे एक बड़ा सुकून और पुरसकून वाला माहौल क्रिएट करता है। और मैं जब जब जाती हूँ, मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि सोचे आपकी। तो ये है मेरा आज का लुक जो कि मैंने ईद के सेकेंड डे ये सूट पहना है। ये इथनिक का सूट है, टू पीस मैंने ख़रीदा था, दुपट्टा मैंने साथ में अटैच करवाया है। है तो थोड़ा वाइट सा, कोशिश यही थी कि मैं, सब ये कहते कि वाइट नहीं लेना था, मैंने कहा कि नहीं वाइट ही अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी टाइम बाद वाइट सूट पहना है तो बड़ा ज़बरदस्त सा, अच्छा सा, एक क्लासी सा लुक आ रहा है। और ईद का फर्स्ट डे शूट नहीं किया क्योंकि बहुत बिजी थी और पूरा रमज़ान भी इसी तरीके से चल ही रहा है। और बैग जो है हम मेरा नीचे जा चुका है और किचन वगैरह हर चीज़, ये भी मैं कैबिनेट बंद कर दूँ, हर चीज़ मैंने समेट ली है। और इतनी कोई खुशी हो रही है, इतनी ज़्यादा, कि मैं जो है वो अब्बू के घर जा रही हूँ। बाकी क्या जो भी ब्लॉग होगा नेक्स्ट, जो चीज़ें भी हैं वो मैं वहाँ जाके गाय बगाए आपको बताती रहूँगी सारी चीज़ें। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रखी हैं, सामान इस तरह से रखा होता है कि जैसे जो है मैंने साल डेढ़ साल रुकना होता है, लेकिन चंद दिनों की मेहमान होती हूँ मैं वहाँ पर। और इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही है जाने की, मैंने मेरे हाथ से सारा सामान ले लिया। हस्बैंड मेरे बार बार मुझसे कह रहे थे कि सब कुछ बंद करके आना है आपने, डिस्पेंसर, लाइट्स एंड ऑल दैट। तो मैं यही सब कुछ कर रही हूँ, फ्रिज बस ओपन रखूँगी और साथ में ताला लगा दूँगी। और बाकी का जो ब्लॉग है मैं वहाँ जाके शूट करूँगी कि वहाँ पर क्या होगा और किस तरह से मैंने अपना ईद का सेकेंड डे मनाया, गुजारा। तो चलिए जी, ताला लगाते हैं और उतरते हैं नीचे और बाकी का ब्लॉग शूट करेंगे, बाकी को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसे उतर रहे हैं नीचे। जाते जाते का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और आज तो शुक्र है कि इतना ट्रैफिक नहीं है। तो मैं आज ये सारी जो है वो शूट कर रही हूँ। मेरे हाथ से मेरे हस्बैंड आ गए हैं, यानी मेरा बेटा आ गया है। लाओ दिखाओ, मिठाई भी आ गई है। चलो चलो मेरा दिखाते।